नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, हमारे साथ आज पुनः डॉक्टर धीरज सोनी जी हैं और लगभग 15 से 20 वीडियोस इनके साथ अपन बनाएंगे और जानेंगे कि कैसे अपने शरीर को फिट रखें, या फिर जिनके जो जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएं, जिससे वहाँ से भी देखकर अपन यहाँ वीडियो बनवा सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया है तो आज हम पुनः इनसे पूछेंगे। इसके पहले जो अपन ने वीडियो अपलोड किया था उसमें तो ये बताया था कि जो दुबले पतले लोग हैं उन्हें थोड़ा सा मतलब फुर्तीला कैसे बना या फिर अच्छे कैसे दिखने लगे। और अब डॉक्टर साहब से यहाँ हम जानेंगे कि जिनकी चर्बी ज़्यादा हो गई है या फिर मोटापा जिसे कहते हैं वो बढ़ गया है, तो वो धीरे धीरे कैसे कम हो। हेलो एवरीवन, तो जैसे कि आज का टॉपिक है कि जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है वो अपने वजन को कैसे कम करें। और वैसे फ्रेंड्स, ये आज की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही आरामदायक लाइफ स्टाइल है। आपको कहीं जाना है तो आपके पास टू व्हीलर फोर व्हीलर हमेशा अवेलेबल रहती है और वैसे कोई फिजिकल काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को भी। तो फ्रेंड्स, इस कारण से ये प्रॉब्लम थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ रही है। इसका एक और बड़ा कारण है कि आजकल का जो खाना पीना है अपना, वो मैक्सिमम लोग वेस्टर्न खाना खाते हैं, चाइनीज फ्रूट चाहिए, ये सारी चीज़ें लेने से इसमें क्या होता है, मैदा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती है, साथ में थोड़ा सा अपने हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो फ्रेंड, इन चीज़ों के साथ में हम अपने वजन को कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए आप थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा अपनी डाइट का। डाइट बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड मत कीजिए, बहुत सारी चीज़ों से परहेज मत कीजिए, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको छोड़ना ही होगा। एक हिसाब से मैं आपको एक थंब रूल बताऊं कि 3 वाइट चीज़ें छोड़ दीजिए, जैसे शक्कर हुआ, नमक हुई और मैदा की बनी हुई चीज़ें। यदि इन 3 चीज़ों से भी आप दूर रहते हैं तो आपका वजन इंस्टेंटली नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा यदि आप दूसरी चीज़ें थोड़ी बहुत मात्रा में लेते भी हैं, तो वजन बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं बढ़ेगा। फ्रेंड, क्या होता है, जैसे शक्कर जो होती है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करती है बॉडी में जाने के बाद में, जो कुछ भी हम खाते हैं तो वो जो ग्लूकोज बनता है उस चीज़ से, वो और वो शुगर मिलके दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देती है। तो जो खाना पड़ा रहता है वो स्टोर होने लग जाता है बॉडी में, जिससे भी वजन काफ़ी मात्रा में बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज कीजिए। और जिनका वो जो ओवर वेट है, या कहना चाहिए जो ओवेज है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में भी परिवर्तन करना चाहिए। सुबह वैसे तो सब लोग कहते हैं मॉर्निंग वॉक करें, लेकिन मेरा मानना है कि आपको जब भी टाइम मिलता है दिन में या रात में फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। मॉर्निंग वॉक तो कर सकते हैं तो द बेस्ट होता है, लेकिन यदि आपको मान लो रात में 11 बजे भी फ्री होते हैं तो मेरा कहना है कि आप घर पे भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करें। और यदि सुबह उठ के 1.5 घंटे अपना टाइम दे सकते हैं, 1.5 घंटे नहीं, आप आधे घंटे भी टाइम देते हैं तो भी वो आपके लिए काफ़ी सफिशियंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो जो फैट जमा है आपकी बॉडी में वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और एक्सेसिव फैट मतलब ज़्यादा मात्रा में फैटी चीज़ें खाना बंद करेंगे तो उसका जमाव कम हो जाएगा, मतलब आपका इनपुट कम हो जाए और आउटपुट बढ़ जाएगा, तो वेट अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। फ्रेंड्स, मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हैं वजन कम करें, ये करने से वजन कम होता है, वो करने से, मेरा मानना है फ्रेंड कि वजन कम करने के लिए सबसे आइडियल चीज़ होती है एक्सरसाइज। यदि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, भले किसी भी टाइम करें, ये जरूरी नहीं है दिन में करें रात में करें, जब भी आपको टाइम मिलता है करें जरूर। और थोड़ा सा खाने की चीज़ों पे ध्यान रखें, तभी आपका वजन कम होगा। मार्केट में जो ऐड करते हैं टीवी पे 15 दिन में वजन कम होगा, 20 दिन में, फ्रेंड्स ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं बना है अभी तक जिससे कि वजन एक साथ कम किया जा सके। यदि इसका थंब रूल है तो उसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना ही पड़ेगी। ऑयल कम खाएं, फैटी चीज़ें कम खाएं, और इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एक और फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है, यदि आप सुबह उठ के 1-2 ग्लास गर्म पानी पीते हैं और आप खाना खाने के साथ हमेशा गर्म पानी पीते हैं तो आपको उससे भी इनडाइजेशन नहीं होगा, पेट में आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। डाइजेशन ठीक रहने से क्या होगा, थोड़ा बहुत भी कुछ खाएंगे वो भी अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के कारण आपके अंदर फैट नहीं बढ़ेगा। तो फ्रेंड, छोटी सी चीज़ है, कहने के लिए गर्म पानी है, लेकिन आप उसका दिन भर यूज कीजिए, दिन में जितने बार भी पी सकते हैं उसको ज़रूर पीजिए। खाने में थोड़ा सा सलाद वगैरह, मतलब एक शब्द में बोलूँ तो हेल्दी डाइट लीजिए,
नॉर्मल खाना खाइए, सादा खाना जो अपने घरों में बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी पराठे और मैदे की बनी चीज़ों को जितना संभव हो सके उससे आप परहेज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो उसको अवॉइड करें, कम करें उसको, तो आपका वजन धीरे धीरे आप देखेंगे कि कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। और इसी प्रकार से आप और सलाह भी हम लोगों को दे दिया करें जिससे कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो सके। हाँ जरूर फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को ऐसा कोई टॉपिक मिलता है तो मेरे पास जितना भी टाइम होगा उसके आ ही रहे हैं आप तो मेरे पास में, तो उससे संबंधित थोड़ा बहुत नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो मुझसे संभव होगा आपको जरूर दूंगा और उससे आपको जरूर फायदा होगा। और आप सभी अपने इस चैनल से जरूर जुड़े और डॉक्टर साहब का भी जो चैनल है स्वास्थ्य रक्षक, आप उस पर भी विजिट कर लिया करें जिससे कि आपको जो भी इस प्रकार की सलाह चाहिए हो तो आप वहाँ कमेंट में लिख दें तो भी डॉक्टर साहब वहाँ पर आपको सही सलाह देंगे।